सौदा की भोर से जेल एक बार फिर शीर्षक में हालात एक बार मोबाइल फोन स्क्रीन कार्ड या फिर गैंगवार की वारदात से नहीं बल्कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के सेक्रेटरी के फोर से जेल में हड़कंप मच गया है। भोरसी जेल के उप अधीक्षक रामचंद्र ने गुरुग्राम पुलिस को दिल्ली की शिकायत में आरोप लगाया है कि 16 जुलाई को जेल के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन कॉल आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अधिकारी बताया। कॉलर ने जेल के टेलीफोन ड्यूटी पर तैनात मुलाजिम को जेल अधीक्षक से बात करने को कहा। हालांकि उस वक्त जेल अधीक्षक मौजूद नहीं थे, तो टेलीफोन ड्यूटी पर तैनात मुलाजिम ने फोन कॉल जेल उप अधीक्षक को ट्रांसफर कर दिया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने होम मिनिस्ट्री का हवाला देते हुए उन्हें एक मोबाइल नंबर दिया और उस नंबर से फोन करने वाले व्यक्ति का काम करने को कहा। जेल उपाधीक्षक ने उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जेल प्रबंधन की तरफ से होम मिनिस्ट्री को कॉल भी किया गया, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कॉलर को फेक बताया। ऐसे में जेल प्रबंधन ने भोरसी थाना पुलिस को इसकी शिकायत देकर मामले में जांच की मांग की है। पुलिस ने जेल उपाधीक्षक की शिकायत पर आईपीसी की धारा 171, 419 और 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जेल भोरसी ने एक कंप्लेंट दी है कि भाई दिनांक 16 जुलाई को उसके पास एक फोन आया जिसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक अधिकारी बतलाया और उसने ये बताया कि भाई उसका एक आदमी आएगा, उसकी मदद कर देना। तो इस पर उसने अपने लेवल पर पता किया तो वो होम डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं था, किसी ने फर्जी कॉल की थी। इस बारे में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश की जा रही है। सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट।